ऊपर से वो हटा के देख सकते हो। शॉन द शीप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड प्लेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश होंगे। अब्दुल हादी कैमरा ऑन होते एक्साइटेड हो गया और अभी जो है मेरा नाश्ता हो रहा है। ये मेरी चाय है। अभी आज जो है मैंने घर में नाश्ता नहीं किया, मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। हम ना ये पकड़ना कैब इसका, और नहीं इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है, और यहाँ मेरा मोबाइल भी फोल्ड हो गया। तो बस नाश्ता करते हुए जाते हैं, मुल्तान जा रहे हैं हम, और हॉस्पिटल जाना है, जल्दी जा रहे हैं क्योंकि मुझे जाके पहले कुछ टेस्ट करवाने हैं, और उसके बाद जो है मेरा टाइम तो शायद 1-2 बजे का है, 1:30 बजे का, और लेकिन मुझे टेस्ट करवाने हैं, इसलिए जो जल्दी जा रहे हैं। बस मैं थोड़ा सा नाश्ता करूँगी, चाय पीऊँगी, और साथ में थोड़ी सी शॉपिंग भी करेंगे क्योंकि बच्चों के जो है ना स्कूल खुलने वाले हैं, तो यूनिफॉर्म लेंगे, बच्चों के लंच बॉक्सेस और स्कूल से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है बच्चों की वो अभी तक हमने नहीं ली थी, और वो लेंगे, और बस देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, तो आपको भी साथ लेके चलते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। अभी पहले नाश्ता कर लें फटाफट, आप भी नाश्ता कर लें, बस चलते हैं। हॉस्पिटल से हम आ गए हैं, काफ़ी टाइम लग गया उधर जो है ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है मुझे टेस्ट करवाने में लगा, और पहले मैं गई, मैंने टेस्ट करवाए, उसके बाद मैंने चेक करवाया, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे MRI लिख के दिया, अभी मैंने वो करवाया, उसमें जो है तकरीबन 1-1.5 घंटा हमारा जो है लग गया, खैर वो हो गया। तो अभी जो है 4 बज गए हैं, और खाना शाना जो है हम ले आए थे, हम यहीं पे अपने रूम में खा लेंगे, अभी हम इधर ही हैं आज, तो हम इधर ही रुकेंगे क्योंकि एक तो हमारी रिपोर्ट लेट आएगी, और दूसरा इसके बाद जो है हमें फिर किसी डॉक्टर के पास जाना है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये थी कि जब हम आ रहे थे तो गाड़ी लग गई, एक्चुअली इतना नुकसान नहीं हुआ अल्लाह का शुक्र है, लेकिन गाड़ी की बैक साइड जो लग गई थोड़ी सी, और अभी जो है उसका काम करवाना पड़ेगा। हाँ, तो गाड़ी का जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ था, बस हल्का सा जो है ना, एक बंदा आगे जा रहा था और वो नशे में जा रहा था, मतलब नशे में नहीं, वो सोया हुआ जा रहा था, पीछे से हॉर्न बजा रहे थे और उसको नहीं सुन रहा था कि गाड़ी आ रही है, एकदम से ब्रेक लगाई, गाड़ी रोकी, और हमारी गाड़ी के पीछे जो गाड़ियाँ थी वो हमारी गाड़ी में लगी, और उन बेचारियों का ज़्यादा नुकसान हो गया। खैर उस बंदे को फिर भी पता नहीं चला कि मेरे पीछे जो है ना ये सब कुछ हो गया, वो फिर भी मज़े से जा रहा था, सब ने देखा, सब अपनी गाड़ियों से उतरे, उन्होंने देखा वो बंदा फिर भी मज़े से जा रहा था, उसको कोई परवाह नहीं थी कि क्या हुआ, और सब 2-3 गाड़ियों का जो है ना पीछे से थोड़ा सा नुकसान हुआ, हमारी गाड़ी का भी हुआ। अभी जो है हस्बैंड चले गए हैं उसको सेट करवाने, थोड़ा सा काम है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो ठीक हो जाएगा। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ, बंदे की जान बच गई है, लेकिन उस बंदे को कोई पता नहीं था कि वो आज जाने वाला था, अगर ब्रेक ना लगाते तो कुछ भी हो सकता था। खैर बिल्कुल बेहोश बेचारा जो है ना वो जा रहा था। तो बस अभी जो है बैठे हैं हम इधर, अभी वेट करेंगे, अब साहब चले गए हैं, गाड़ी का थोड़ा सा काम करवाएँगे हम जब तक रेस्ट करेंगे, और बस फिर रात को जो है फिर से एक डॉक्टर के पास जाना है, और उनके पास जाके तो जब वापस आएंगे तो बस फिर थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, बच्चों को थोड़ी सैर करवा लेंगे। हाँ, यूनिफॉर्म मैंने ले लिया है, अभी बच्चों के शूज़ रहते हैं लेने वाले, अभी इनके लंच बॉक्सेस रहते हैं वो लेने हैं,
सो भी नहीं है रात को। तो बस चलते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी जो है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या बोल रही हूँ, बस थोड़ी सी जो है ना मैं भी रेस्ट करूँगी और बस फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है। मेरा मोबाइल के बैठ गई ये भी तो देखो ना, यहां से लाइट चलेगा। अब हमारे वॉशिंग मशीन सबसे पहले डॉक्टर टॉयलेट और ये सिंक और ये है सबसे पहले। ये कैमरामैन फेस रिवील, ये है इनका। अब हम ऐसे वॉकिंग मशीन में जाते हैं, ऐसे पाकिस्तान में नहीं होता है। अब हम मोगे मोटर हाउस में मोगे, ये हम चलते हैं बैठो और ये बजने वाले। हम आए हैं इस वक्त शूज़ लेने, बच्चों के बच्चे जो हैं अपने शूज़ ले रहे हैं और मैं नहीं गई, वो अपने पापा के साथ गए हैं। तो बस अभी वो शूज़ ले लेंगे और फिर हम जाएंगे खाना खाने। बस अभी हम जाएंगे और आज जो है ज़्यादा रश नहीं है कैंटर में, वरना इस टाइम काफ़ी रश होता है। संडे मॉर्निंग, अभी हम कर रहे हैं नाश्ते का इंतज़ार और आज नाश्ते में हम खाएंगे आलू के पराठे, बड़े बड़े आलू के पराठे खाएंगे आज हम नाश्ते में। और हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम गुलगश्त की मार्केट है, यहाँ से अच्छे मज़े के नाश्ते मिलते हैं, यहाँ से हमने नाश्ता करना है। बाकी हमारे सारे काम हो गए हैं, डॉक्टरों डॉक्टरों वाले सारे कामों से हम फारग हो गए हैं, बस आज हमने नाश्ता करना है। और
बच्चों के लंच बॉक्सेस वगैरह लेने हैं और घर जाना, छोटी मोटी चीज़ें लेनी हैं, वो लेने के लिए जो है ना मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी देखती हूँ इतनी जल्दी कौन सा मार्ट खुलता है, क्योंकि हमारी कोशिश है हम जल्दी घर चले जाएँ। अभी तो सुबह के 10 बजे हैं सिर्फ और अभी कुछ नहीं खुला, सारा कुछ बंद है। एक खुल जाएगा सारा कुछ तो नाश्ता करते करते शायद कोई मॉल खुल जाए फिर लेके चले जाए। हम लोग कर चुके हैं, हमने किया नाश्ता गुलगश्त मार्केट में। ये कौन सी गली है, इस गली का नाम नहीं मुझे आता, लेकिन यहाँ पर ना बहुत अच्छे और मजे के नाश्ते मिल जाते हैं। जैज फ्रेंचाइज तो कहीं भी हो सकती है, बाटा चौक वाली गली है पता नहीं, लेकिन यहाँ से बड़े मजे के नाश्ते मिलते हैं। कैंट में से ना इतने मजे के नाश्ते नहीं मिलते, सिर्फ एक दो दुकाने हैं जहाँ पर पूरियाँ मिलती हैं, और आज हमारा किसी का भी पूरियों का मूड नहीं था, लस्सी नहीं मिली। लेकिन हम सब ने ना बहुत अच्छा और बहुत मज़े का पेट भर के नाश्ता किया, आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 200 रुपीज़ में, ओनली 200 रुपीज़ में इतना मज़े का। आलू का पराठा बहुत अच्छा था, उसके साथ रायता भी था। हाँ लस्सी उनके पास ख़त्म हो गई थी क्योंकि हम थोड़ा सा लेट थे, वो बोल रहे थे कि उनके नाश्ते बहुत जल्दी सुबह ख़त्म हो जाते हैं, हम थोड़ी सी सुस्ती करके हम थोड़े से लेट आए तो लस्सी ख़त्म हो गई, लस्सी हमने नहीं पी, तो बस अभी चलते हैं। पीनी है तो पी ले कहीं से, आपने मुजफ्फर ने पीनी है सब कुछ पीने, और अभी जो है जाना है एक मॉल में, मार्ट में, अभी इतनी सुबह कौन सा मार्ट खुला होगा, केक के मार्ट में जाएंगे, केक के मार्ट शायद खुला होगा। हाँ लंच बॉक्स वहाँ से बहुत अच्छे मिल जाएंगे, मैंने देखे थे, लेकिन अभी तो सारा कुछ बंद है। जो है कढ़ाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी छोटा था तो मैंने इसे वापस रख दिया, वरना मेरा जो है ना, मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैं जो है ना एक मटी की कढ़ाई लूँगी खाना बनाने के लिए। लोगों को देखा था मैंने वीडियोज़ में बनाते तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरा दिल था कि मैं भी बनाऊँगी इसमें, तो वो मुझे साइज़ जो है मेरी मर्ज़ी का नहीं मिला तो मैंने उसको रख दिया। और बस अभी जो है हम घर वापसी के लिए निकल रहे हैं, और मैंने जो है अभी थोड़ी सी ग्रॉसरी की है, और अभी जस्ट यहाँ पर जो है मेरी MRI की रिपोर्ट भी आ गई है, जो कि तसल्ली बख्श है, कोई ऐसा प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं है। अभी फ़िलहाल डॉक्टर से मैंने कंसल्ट नहीं किया, रिपोर्ट उनको चेक नहीं करवाई, लेकिन खुद देखा तो हमें लगा कि इतना वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। खैर मैंने सोचा मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि आप लोग पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम था, रिपोर्ट क्यों करवाई थी, तो रिपोर्ट जो है वो ज़रूरी थी करवानी, इसलिए करवाई थी, और वो अच्छी है। और बस अभी हम घर वापस जा रहे हैं, और थकावट जो बहुत ज़्यादा हो गई है, ग्रॉसरी वगैरह मैंने की थी, चेज़प गई थी वहाँ पर, काफ़ी मुझे टाइम लग गया ग्रॉसरी वगैरह करते, तो अभी बस घर जा कर जो है सारी ग्रॉसरी वगैरह समेटूँगी, और बस आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।